कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हमेशा से सुर्खियों में बने रहने वाले जगत बहादुर अन्नू के द्वारा कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों को भोजन वितरित किया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने जगत बहादुर अन्नू के इस कार्य की काफी प्रशंसा की। वहीं जानकारी देते हुए जगत बहादुर अन्नू ने बताया कि आज हमारे द्वारा कोरोना संक्रमित मृतकों का दाह संस्कार करने वालों को भोजन की व्यवस्था करते हुए उन्हें भोजन वितरित किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। हम नगर निगम में पॉजिटिव सब जो डेथ हो जाती है, जिनकी हॉस्पिटल हो या घर में हो, हमारी नगर निगम टीम जाती है, उनको लेकर आके संस्कार करते हैं, जिसके लिए जगत बहादुर सिंह जी अन्नू भैया हमेशा हम लोगों से बातें करते रहते हैं कि हम लोगों को किस चीज़ की परेशानी है, कोई समस्या है। हम दिन भर में 3-4 बार उनका फ़ोन आता है हमारे पास। तो भैया का फ़ोन आया कि मनोज आज खाना लेके जाना है सभी लोगों के लिए, और भैया ने आज हम लोग जितने कर्मचारी नगर निगम के लगे हुए हैं उन सब के लिए खाने की व्यवस्था की है। इसके लिए नगर निगम अंतिम संस्कार टीम से हम उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे ड्राइवर साहब और उनके जो अटेंडेंट हैं या जो उनको सहयोग करने वाले हैं, जो डेड बॉडीज़ उठा रहे हैं कोरोना की और चौहानी और तलवारा ले जाते हैं, उन लोगों के साथ स्थितियां ये है कि वे सवेरे अपने घर से निकलते हैं, खाना ले जाने की स्थिति में नहीं है और देर रात को घर पहुंच पा रहे हैं। ये देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने मुझसे बोला कि क्या खाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम लोगों ने तुरंत आज से 75 लोगों को 75 थाली खाना, अच्छा वाला खाना जो है वो लोगों को आज से देना शुरू किया है, जो निरंतर तब तक देते रहेंगे जब तक उसकी आवश्यकता रहेगी। ईश्वर करे कि बहुत जल्दी यह बीमारी दूर हो, ख़त्म हो, लोगों को निजात मिले इससे और जो परेशानियां हैं वो दूर हो। तो ऐसा